को तू देखी पतंग भुलाना एक मास ते ही जात न जाना। इस प्रकार का अयोध्या में आनंद उत्सव मनाते हुए हमारा तो आधा घंटा बीता, लेकिन इस प्रकार का कीर्तन करते हुए एक महीना बीत गया। रामायण में लिखा है एक महीना बीत गया और अवधवासी उस उत्सव करते रहे। इसका एक अर्थ यह भी है कि एक महीना बीत गया फिर भी उन लोगों को पता नहीं चला, क्योंकि आनंद की घड़ी जो है बहुत जल्दी बीत जाती है, सुख की घड़ी बहुत जल्द बीत जाती है। और इसका एक अर्थ यह भी है कि एक महीना बीत गया उन लोगों के जीवन का, परंतु एक महीना बीतने पर भी उस वह एक महीना उनके जीवन से कम नहीं हुआ। एक महीना भगवान रामचंद्र का उत्सव मनाने वालों के जीवन से कम नहीं हुआ। आप लोगों ने देखा होगा भागवत कथा होती है, राम कथा होती है, तो कथा के प्रथम दिन पोथी यात्रा होती है। पोथी यात्रा जिस गली से निकलती है, जिस गली से पोथी यात्रा निकल गई, उस गली वालों के लिए पोथी यात्रा भूतकाल है। पूछा जाए पोथी यात्रा, बोले वो तो निकल गई, उसके लिए भूतकाल हो गया। जिस गली से पोथी यात्रा निकलने वाली है, उस गली वालों के लिए वह पोथी यात्रा भविष्यकाल। पोथी यात्रा आई नहीं, अभी आने वाली है भविष्य। जिस गली से पोथी यात्रा निकल गई उसके लिए भूतकाल, जहां से निकलने वाली है उसके लिए भविष्यकाल, लेकिन जो लोग पोथी यात्रा में है उसके लिए तो वर्तमान ही वर्तमान है, उसके लिए न भूत न भविष्य। ठीक उसी प्रकार जो लोग भगवत कथा में बैठे हैं, भगवान के साथ बैठे हैं, उसे भूतकाल और भविष्यकाल नहीं लगता, वो तो वर्तमान में ही जीता है। अर्थात उनके जीवन से यह घड़ी कभी कम नहीं होती है। भगवत कथा जितने समय तक हम सुनते हैं वह समय हमारी उम्र से कम नहीं होता है। आयुर हरति वै पुंसाम, हमारी आयु को सूर्य देवता हर लेते हैं। आयु को काटने वाला कौन है? क्षण, समय, और समय सूर्य से चलता है। लेकिन सूर्य वंश के राजा रामचंद्र की कथा जो व्यक्ति सुनता है, सूर्य देवता उस कथा सुनने वाले भक्त जितनी देर तक वह कथा सुनता है उतनी देर तक उनकी आयु को काटता नहीं है, उनकी आयु को रोक देता है। सूर्य की गति थम जाती है, काल की गति बाधित हो जाती है, रुक जाती है। इसलिए यदि अधिक जीना हो ना तो कथा सुनो, क्योंकि जितनी देर तक कथा सुनेंगे उतनी देर हमारी आयु में गिनती नहीं होगी। 100 साल की आयु है और 50 साल निरंतर कथा सुनते रहे तो 150 साल जिएंगे, क्योंकि जितनी कथा सुनते हो उतनी आयु गिनती नहीं होती है। सार यही है, पूरे ब्रह्मांड ने मिलकर महोत्सव मनाया, एक से एक लोग आए। यह कथा शिवजी पार्वती को सुनाते हैं, पार्वती जब दुनिया के सब लोग गए तो हम भी क्यों बाकी रह जाए, मैं भी गया था अकेला नहीं, काकभूषणी जी को साथ में लेकर। जब ब्रह्मांड के छोटे बड़े सब लोग भगवान का दर्शन करने गए तो मैं और काकभूषणी दोनों गए। और एक कहूं नीज चोरी, सुनो गिर जायते दृढ़ मति मोरी। और एक कथा सुनो,
जिसमें थोड़ी सी चोरी की थी हम लोगों ने। प्रभु आपने चोरी की? हाँ थोड़ी सी चोरी करनी पड़ेगी। भगवान के लिए यदि चोरी भी की जाए, भगवान के लिए तो वह चोरी भी बहुत बड़ी भक्ति है। उद्देश्य यदि भगवान है, कार्य कैसा भी हो उद्देश्य क्या है, ध्यान रहे। कई बार हम लोग कुछ लोगों के ऊपर बिना जाने बिना देखे दोष लगा देते हैं, बिना देखे, लेकिन उस व्यक्ति के कार्य का उद्देश्य क्या है यह महत्वपूर्ण है। भगवान उद्देश्य देखते हैं। आपने सुना होगा वसुदेव जी ने कंस को प्रण दिया था कि जब भी बालक का जन्म होगा मैं आपको सौंप दूंगा। पहला बालक को सौंप दिया, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांच छह बालक सौंप दिए, सातवां तो चला गया। आठवां बालक जब हुआ तो वसुदेव ने नहीं सौंपा। धर्मात्मा थे, सत्यवादी थे, सत्य के ऊपर अड़ग थे, प्रण था लेकिन फिर भी पूर्ण नहीं किया, सत्य बोले। और जो बालक कंस को देना था वह बालक नंद बाबा के वहां छोड़ दिए, लेकिन फिर भी शास्त्र में अमर हो गए, भगवान के पिता बन गए। क्यों? वसुदेव जी ने गलत किया, झूठ बोला, अपने प्रण को तोड़ा, लेकिन किसके लिए? भगवान के लिए। भगवान परम सत्य है, सत्यव्रतम परम त्रिसत्यम, तीनों काल में सत्य है। और हमारे झूठ का आधार यदि सत्य है तो हमारा झूठ भी सत्य है, आधार महत्वपूर्ण है। और दुनिया के लिए, दुनिया वालों के लिए हम कितना भी सत्य बोलेंगे, क्योंकि दुनिया वाले असत्य हैं, दुनिया असत्य है, और इन असत्य लोगों के लिए कितना ही सत्य बोलोगे लेकिन फिर भी वह सत्य असत्य है, झूठा। उसका प्रमाण पितामह भीष्म सत्य पर अड़ग थे। हस्तिनापुर की गादी पर जो आएगा उसकी रक्षा करूंगा। दुष्ट दुर्योधन आया, क्या पितामह नहीं जानते थे ये अधर्मी है, पाखंडी है, लेकिन फिर भी अपने सत्य पर अड़ग रहना चाहे। पितामह भीष्म सत्य पर अड़ग रहे फिर भी भगवान के हाथों मरना पड़ा, क्योंकि उनके सत्य का आधार संसार था, संसार के लोग थे। तो पितामह भीष्म सत्य पे अड़ग थे फिर भी मरना पड़ा, वसुदेव जी असत्य बोले लेकिन फिर भी अमर बन गए, क्योंकि उनका आधार भगवान था। शिव जी कहते हैं कि उमा, पूरा ब्रह्मांड जब भगवान का दर्शन करने गया तो मैं भी गया, थोड़ी चोरी करनी पड़ी। बोले प्रभु आपने चोरी की? बोले थोड़ी सी करनी पड़ी। काग भूषणी संगह मदो मनुज रूप जा नहीं नहीं को। बोले क्या करे, मेरा तो शिव वेश तो तुम जानती हो, इस वेश में यदि मैं गया होता तो सब लोग वहां से भाग जाते हैं और मुझे कभी राम दर्शन न मिलता। इसलिए मैं और कागभूषणी जी दोनों मनुष्य रूप धारण करके गए। हम दोनों कौशल्या के द्वार पर गए, हमने बहुत प्रयास किया लेकिन राम दर्शन नहीं हुआ। इतनी भीड़ लगी हुई थी, चिक्कार, इतने लोग वहां पर आए थे, हमारा कोई चांस नहीं लगा। जब हमारा कोई वहां पर दाल नहीं गली तो मैं और कागभूषणी जो दोनों सरयू के तट पर आकर बैठ गए। मैंने लिया जोगी का रूप और कागभूषणी बन गए मेरे चेले। बोल जमुरे, दोनों थोड़ा सा नाटक करने पड़े, यही चोरी थी उनकी। दोनों गुरु और चेला बन गए और दोनों वहां पर बैठे थे। अब शिवजी भगवान के परम भक्त हैं। भागवत में शिवजी का परिचय दिया गया, निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा। भारत में अनेकों नदी हैं, उन सभी नदियों में श्रेष्ठ गंगा है। अनेकों देवता हैं, उन सभी देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु है। अनेकों पुराण हैं, उन सभी पुराणों में श्रेष्ठ भागवत है। वैसे इस दुनिया में अनेकों वैष्णव हैं, लेकिन सभी वैष्णव के मुकुटमणि वैष्णवानाम यथा शंभो शिवजी हैं। शिवजी परम वैष्णव,
भगवान श्री रामचंद्र के परम भक्त। आज जब व्यास मंच पर आया तो किसी ने एक प्रश्न पूछा, नाम नहीं लिखा है, लेकिन इसमें प्रश्न लिखा है कि शिवजी की बारात जब हिमालय के वहां गई तो उन्होंने शिवजी की बारात को क्या खिलाया, ऐसा प्रश्न मेरे पास आया और लिखा है। प्रभु जी जवाब जरूर दीजिएगा, ये प्रश्न मेरे पास है, किसी ने भेजा है, नाम नहीं लिखा है। तो शिवजी की बारात जब हिमालय के वहां गई तो क्या खिलाया, सत्य कहे भगवान को भोग चढ़ाया गया, शुद्ध सात्विक बिना प्याज लहसुन का भोजन खिलाया, प्रसाद खिलाया, क्योंकि शिवजी प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं। वैष्णव नाम यथा शंभु, अरे इस दुनिया का छोटा बूढ़ा छोटा वैष्णव होता है ना, वो भी नहीं खाता है, वो तो सभी वैष्णवों के मुकुटमणि है, सभी वैष्णवों के सिरमौर है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, तो सत्य के अवतार है, परम सत्व गुणी है। शिवजी कभी मादक वस्तु या तमोगुणी वस्तु ग्रहण नहीं करते। कुछ लोग शिवजी को तमोगुणी मानते हैं, शिवजी तमोगुणी, तमोगुणी तो हम लोग हैं, हमारी बुद्धि तमोगुणी है। संसार के जब कुछ काम करने होते हैं तो शिवजी तमोगुण को स्वीकार करते हैं, कुछ देर के लिए काम समाप्त हो जाने पर तमोगुण को छोड़ देते हैं। जैसे कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है तो हम रिक्शा को लेते हैं, बैठते हैं, 10-15 रुपया देकर छोड़ देते हैं, उसको लेकर घर पर नहीं आते। संसार के काम को करने के लिए कुछ घड़ी के लिए शिवजी तमोगुण को स्वीकार करते हैं, शिवजी तमोगुण में आविष्ट नहीं हो जाते जैसे हम लोग हो जाते हैं, तमोगुण में इतने आविष्ट हो जाते हैं, क्रोध होता है और हम हमारे काबू के बाहर हो जाते हैं, अनकंट्रोल बन जाते हैं। शिवजी का ऐसा नहीं, शिवजी क्रोध को भी पूर्ण वश में रखते हैं, जब चाहे तब प्रकट करे, जब चाहे तब छोड़े, सत्व गुण के अवतार। कुछ लोग शिवजी की बड़ी टीका करते हैं, भांग पीते हैं, शिवरात्रि के दिन भांग पीते हैं, कहते हैं भांग तो एक नशा है, आप भांग क्यों पीते हैं? बोले शिवजी पीते थे। पूरा शिव पुराण पढ़ लीजिए, भागवत पुराण पढ़ लीजिए, सारे वेद पढ़ लीजिए, आज तक कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं कि शिवजी ने भांग पिया था। कभी कभी तो हृदय में बड़ा दुख होता है, हमारे गुजरात के लोग गाते हैं भांग वावे भोलानाथ, शिवजी कभी भांग पीते, कभी नहीं, शास्त्र में कहीं वर्णन नहीं है। वैष्णव है, वैष्णव नाम यथा शंभु। कुछ लोग गांजा पीते हैं, क्यों पीते हैं? शिवजी के गण जो शैव है, शिवजी की नकल करते हैं, शिवजी की तरह जटाजूट बढ़ाते हैं, गांजा पीते हैं। हम तो पूरे भारत में घूमते हैं, अनेकों लोग ऐसे मिलते हैं, क्यों? क्योंकि शिवजी भी नशा करते थे, गांजा पीते थे, कहां लिखा है? न रामायण में वर्णन, न शिव पुराण में, न भागवत में, कहीं वर्णन नहीं। बस स्वयं को इंद्र तृप्ति करनी है, स्वयं को नशा करना है, शिव जी का नाम लेकर नशा करते हैं। अरे नशा करना है तो करो, कौन ना कहता है, नशा करना है तो करो, लेकिन शिव जी का नाम क्यों बिगाड़ रहे? शिव जी जैसे महात्मा का नाम इस प्रकार से बिगाड़ने से नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। शिव जी से द्रोह करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता है। परम वैष्णव महान भक्त है, शिव जी गांजा पीते हैं, शिवजी भांग पीते हैं, गांजा भांग का तो कहीं वर्णन नहीं है। एक वर्णन है, समुद्र मंथन के प्रसंग में शिवजी ने विष जरूर पिया था है? और हम यदि शिव के पक्के उपासक हैं और शिव ने जो किया है वैसा ही करना है तो विष पियो, जीवित रहेंगे तो आपको प्रणाम करेंगे। और शिव शिव है, शिव का अनुकरण जीव कभी नहीं कर सकता है। शिव सदाशिव है, नित्य तत्व है, जीव जीव है, शिव शिव है, उनका अनुकरण कभी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार शिवजी जोगी का रूप लेकर बैठे, काकभूषण जी शिष्य बने, और जब उनको भगवान का दर्शन नहीं मिला ना, भक्त भगवान को जितना देखना चाहता है ना,
भक्त के हृदय में भगवान को देखने की जितनी तड़प होती है उससे कई गुना ज्यादा भगवान को अपने भक्त के दर्शन की तड़प होती है। हम मंदिर में जाकर ठाकुर जी का दर्शन करें, हमारे हृदय में उत्साह हो या न हो, लेकिन भगवान को उत्साह तब से होता है कि हम जब से तैयार होते हैं, भक्त धोती कुर्ता पहनता है, तिलक करता है, भगवान वहां सोचते हैं कि अब आएगा। भगवान की इच्छा होती है भक्त का दर्शन करो। जैसे ही शिव जी और काकभूषणी जी को दर्शन नहीं मिला, भगवान ने इनका भक्तों का दर्शन नहीं किया, भगवान रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। 2-3-4 घंटे बीत गए लेकिन राम का रोना शांत नहीं हुआ। कौशल्या को किसी सखी ने कहा, माता जी लगता है किसी की नजर लग गई। कौशल्या ने कहा, जाओ किसी नजर उतारने वाले को बुलाकर लाओ, मेरा बेटा रो रहा है। वो सखी गई नजर उतारने वाले को बुलाने के लिए। सरयू के तट पर आई तो ये दोनों बैठे थे, शिवजी जोगी का रूप लेकर, वो चेले का रूप लेकर। शिवजी बिल्कुल ध्यान में बैठे थे, वो चेला प्रणाम कर रहा था। बोले, महाराज आप नजर उतारना जानते हैं? बोले, पूरा पूरा जानते हैं, एक बार उतारते तो फिर कभी लगती नहीं है, पर एक बार उतारते तो पूरी परिवार की उतर जाती है। बोले, महाराज हमारे घर पर कौशल्या के पुत्र को किसी की नजर लगी है, आप उतारने के लिए आई? दोनों चले, किसी की राह देख रहे थे। कौशल्या के द्वार पर गए, शिवजी ने कहा, जिसकी नजर उतारनी है हमारे सामने लाना पड़ेगा, बिना उनको देखे उनकी नजर नहीं उतर सकती है। कौशल्या ने कहा, 3-4 घंटे से रो रहा है, चलो सामने लेकर आओ, नजर कैसे भी करके उतरे, रोना शांत हो। जैसे ही वह दिव्य बाल राम की मूर्ति को लेकर कौशल्या शिवजी के पास आई, अपने भक्त शिवजी को देखकर 4 घंटे से रोने वाले भगवान खिलखिलाते हुए हंसने लगे। श्री रामचंद्र भगवान प्रभु हंसने लगे। कौशल्या तो चरणों में गिरे, तो आपने चमत्कार कर दिया, क्या है आपके अंदर ये जादू है? बिना कोई मंत्र मारे बोले बस ऐसे ही आपने अपनी दृष्टि से ही इनकी नजर उतार दी, पर इतना हंसने लगा। शिवजी ने कहा, माते आप तो हमको हमारे प्रभाव को जानती नहीं हो, अब थोड़े सक्सेस हो गए ना अपने काम में, ये चोरी करने में, तो अपनी बड़ाई करने लगे। बोले, जानती नहीं हो, अच्छे अच्छे की नजर उतारी है। और देखो, और एक गुह्य बात कहता हूं, आपका बालक हंस रहा है ना, खुश हो आप चाहती हो आपका ये लड़का जीवन भर तक हंसता रहे इसी प्रकार? अब कौन मां नहीं चाहेगी कि बेटा प्रसन्न रहे, हंसता रहे? बोले, हां महाराज चाहती हूं। तो बोले, मेरी जटा में एक जड़ी बूटी है, यदि तुम्हारे बालक के चरण को मेरी जटा में स्पर्श कराओगे, जीवन भर तक हंसता रहेगा, कभी रोएगा नहीं। कौशल्या ने कहा, लाओ लाओ जल्दी राम को लाओ। उठाकर उस भगवान राम के चरण को शिवजी की जटा में स्पर्श कराया, शिवजी नाचने लगे, प्रसन्न हो गए। बोले, जिस भगवान के चरणों से निकले हुए जल को धारण करके मैं गंगाधर बन गया, पूरे संसार में विदित हो गया, पूरे संसार में फेमस हो गया, जिस भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा को स्पर्श करके यह मिल गया, साक्षात भगवान के चरण आज मेरे मस्तक पर आ गए, आज मैं धन्य धन्य बन गया। शिवजी धन्य हो गए। काकभूषण जी ने कहा, अकेला अकेला लूटेगा, मुझे नहीं देगा? शिवजी ने उठाकर काकभूषण जी की गोद में दिया, तुम भी रखो। दोनों ने बड़ा आनंद लूटा और भगवान का दिव्य दर्शन किया। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, हे पार्वती, भगवान का दर्शन करके मैं तो वहां से वापस लौट गया, लेकिन काकभूषण जी वहीं पर रुक गए। बोले, महाराज आपको जाना है तो जाओ, मेरी कोई फैक्ट्री कुछ है नहीं, काम धंधा लूम्स कोई धंधा बंदा है नहीं, मैं तो यहीं पर रहूंगा, राम का दर्शन करता रहूंगा। 5 साल तक काकभूषण जी वहां पर रुके, 5 साल तक भगवान की होने वाली सारी लीलाओं का दर्शन किए। इस प्रकार शिव जी कथा सुनाते हुए अपनी कुछ बता दी। धीरे धीरे भगवान बड़े हुए और राजा दशरथ के हृदय में तो बड़ा उत्साह था, 4-4 बालक की प्राप्ति हुई। राजा दशरथ ने देखा कि अब बालकों के नामकरण करने का समय आ चुका है,
नाम करन कर अवसर जानी भूप बोली पठ ये मुनि ज्ञानी भूप बोली पठ ये मुनि ज्ञानी। राजा दशरथ ने देखा कि बच्चों के नामकरण करने का अवसर आ गया है, अपने मंत्री को भेजा, जाओ हमारे कुलगुरु वशिष्ठ जी को बुलाकर लाओ। वशिष्ठ जी राजा दशरथ के महल में आए हैं। राजा दशरथ ने परम बहुत अच्छा स्वागत किया। राजा दशरथ वशिष्ठ जी के चरणों में गिर गए। महाराज आपकी कृपा से चार पुत्र की प्राप्ति हुई, आप अब हमारे पुत्रों का नाम संस्कार कीजिए। भक्तों, जैसे भगवान नित्य है वैसे भगवान का नाम भी नित्य है। भगवान नित्य है और समय आने पर इस संसार में प्रकट होते हैं, चले जाते हैं, आना जाना लगा रहता है। वैसे भगवान का नाम भी नित्य है। ऐसा नहीं कि वशिष्ठ जी ने भगवान का नाम रखा, भगवान का नाम तो पहले से था ही, वशिष्ठ जी ने प्रकट किया। नाम भी भगवान की तरह नित्य है। तो वशिष्ठ जी ने नामकरण किया और विचार कीजिए, जिस वशिष्ठ जी को भगवान का नामकरण करने का अवसर मिला उनके भाग्य कितने तगड़े होंगे। उनका इतिहास है, जब वशिष्ठ जी का जन्म हुआ ब्रह्मा जी ने कहा पुरोहित बनो। वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं कोई पुरोहित वरोहित नहीं बनूंगा, मुझे ये सब करना ठीक अच्छा नहीं लगता। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, तुम पुरोहित बनो, सूर्य वंश के पुरोहित बनो। बोले मैं पुरोहित नहीं बनूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा देखो सूर्य वंश में कई पीढ़ी के बाद आगे भगवान का जन्म होगा, तुम्हें भगवान का पुरोहित बनने का अवसर मिलेगा। वशिष्ठ जी ने कहा तो ठीक है, भगवान का पुरोहित बनना है, भगवान का नामकरण मेरे हाथों से होगा, मैं पुरोहित बन जाता हूं। वशिष्ठ जी पुरोहित बने। आज यह अवसर आ गया वशिष्ठ जी को। सर्वप्रथम राजा दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को उठाकर वशिष्ठ जी के गोद में बिठाया, महाराज आप इसका नामकरण कीजिए। वशिष्ठ जी अपना हस्त भगवान के मस्तक ऊपर रखते हैं, भविष्यवाणी देखते हैं और प्रथम पुत्र बड़े पुत्र का नामकरण करते हुए कहते हैं, जो आनंद सिंधु सो करासी, जो आज आपका ये प्रथम पुत्र आनंद का सिंधु है, आनंद का सागर है, है? आपके ये प्रथम पुत्र, आपका प्रथम पुत्र आनंद का सागर है। उस सागर की एक बूंद से इस ब्रह्मांड में सब लोग आनंद लूटते हैं। इसका अर्थ है दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सब के आनंद को एकत्रित करोगे तब भगवान के आनंद के समुद्र का एक बूंद होगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आइए भाव से सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक
वशिष्ठ जी कहते हैं कि आपका ये बड़ा पुत्र सुख का धाम होगा। महाराज, आपका ये बड़ा पुत्र अखिल ब्रह्मांड को अपने गुण रूप लीला से आनंद कराएगा। आपका ये पुत्र संसार के सभी जीवों को अपने आनंद में रमा देगा, सबके मन को अपने आनंद में रमण कराएगा। इसलिए आपके इस प्रथम पुत्र का नाम मैं राम रखता हूं। राजा दशरथ ने प्रथम पुत्र का नाम ये राम धारण कर लिया। अद्भुत नाम, बिल्कुल सरल है। राम कितना सरल नाम है। और कृष्ण, नाम जैसे ही गुण है, गुण जैसा ही नाम है राम है। बड़े पुत्र का नामकरण हुआ। राजा दशरथ ने उसे लेकर छोटे पुत्र को, कैकेयी के पुत्र को वशिष्ठ जी के गोद में रखा। वशिष्ठ जी ने भविष्यवाणी देखी, विश्ववरण पोषण पूरे विश्व का भरण पोषण करेगा, पूरे जगत का भरण करेगा। इसलिए आपके दूसरे पुत्र का नाम मैं भरत रखता हूं, भरत नाम रख दिया। इस दुनिया में तीन भरत हुए, एक शकुंतला के, दूसरे भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत, और तीसरे भगवान श्री रामचंद्र के भाई भरत। अद्भुत चरित्र है। पूरी रामायण में भरत जी का समर्पण, भरत जी की अद्भुत भक्ति प्रस्तुत होगी। बहुत सुंदर पात्र। आपके मन में प्रश्न होगा कि विश्व का भरण पोषण करने के कारण भरत, इनका नाम भरत रखा गया, कहां भरण पोषण किया? राजा तो राम थे। इन्होंने विश्व के शरीर का नहीं, अपने जीवन में ऐसा आचरण किया, प्रभु की ऐसी भक्ति की, और भक्ति के द्वारा विश्व के लोगों की आत्मा का भरण पोषण किया, इसलिए इनका नाम भरत रखा गया। दशरथ जी उनको लेकर तीसरे पुत्र को वशिष्ठ जी की गोद में रखते हैं। उस तीसरे पुत्र को देखकर वशिष्ठ जी बोल पड़े, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। आपका ये तीसरा पुत्र इतना पराक्रमी होगा महाराज, इसका नाम सुनकर ही शत्रु वहां से भाग जाएंगे। आगे चलकर मथुरा के राजा हुए। आपके इस तीसरे पुत्र का नाम सुनकर ही शत्रु भाग जाएंगे, इसलिए इस तीसरे पुत्र का नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूं, जो शत्रुओं का हनन करने वाले हैं, शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं। तीन पुत्र का नामकरण हुआ, चौथे पुत्र को रखा गया। महाराज, इनका नामकरण कीजिए।
लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ते ही राखा। क्या कहते हैं? लक्ष्मण धाम राम प्रिय। आपके इस चौथे पुत्र में अनेकों लक्षण है और उस लाखों लाखों लक्षण के कारण वे राम को बड़ा प्रिय बनेगा। अनंत शेष का अवतार पूरे ब्रह्मांडों का आधार है और इसलिए गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम युदार। लक्ष्मण नाम युदार। अब ये लक्ष्मण का प्रेम कितना है आप कल देखोगे। जनकपुर की सभा में जब भगवान राम के ऊपर उंगली उठेगी लक्ष्मण जी का आक्रोश। रामायण के अनेकों प्रसंग में अनेकों स्थान स्थान पर लक्ष्मण जी का प्रेम प्रकट हुआ है। तो भगवान श्री रामचंद्र अभी बच्चे हैं, आज हमने उसका नामकरण किया, कल भगवान की कुछ बाल्य लीला को सुनकर कल भगवान का विवाह कराएंगे और विवाह करा के हम छोड़ देंगे, क्योंकि कुछ दिन तो बेचारे सीता के साथ रहे, क्योंकि फिर तो अकेले अकेले घूमना है, सीता को ढूंढना है, तपस्वियों का वेश। तो कल बाल्य लीला होगी और साथ ही साथ अहल्या का उद्धार होगा और जनकपुर में बहुत सुंदर राम सीता स्वयंवर और अब कृपा रही तो परशुराम आएंगे। बहुत सुंदर प्रसंग है परशुराम और लक्ष्मण जी के बीच का संवाद। तो ये सारे प्रसंग कल सुनेंगे, अपने जीवन को धन्य करेंगे। आप सब भक्त अपना कीमती समय निकालकर भगवत कथा श्रवण करने हेतु यहाँ पर उपस्थित रहे। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। श्री रामचंद्र भगवान की श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे श्री।